हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रदेव और आप देख रहे हैं हैप्पी ऑफिशियल ब्लॉग। ठीक है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं कर्मा देखने। आज का कर्मा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो कर्मा होते हैं, जो नॉर्मल कर्मा होते हैं, उसमें सिर्फ कर्मा होता कुछ नहीं है, बस भीड़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो कर्मा है उसमें आप लोग का प्रतियोगिता हो रहा है कर्मा। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन हो रहा है आप लोग कर्मा में। पर आप लोग बताना चाहूँगा दोस्तों मैं कि जो भारत देश है, ठीक है, जो इंडिया कंट्री है, उसको हम लोग संस्कृतियों का देश आ जाता है, इसलिए बहुत ही खास है हम लोग का भारत देश। इसी के वजह से हमारे भारत देश को विश्व भर में जाना जाता है। ठीक है, आजकल के जो युवा साथी हैं वो हमारे संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम चलते हैं आज का कर्मा देखने और आप लोग को दिखाता हूँ कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। दोस्तों, लोग निकल चले कर्मा देखने दोस्तों, और इस कर्मा नृत्य में दोस्तों लगभग 27 गांव के प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों कर्मा देखने के लिए दोस्तों। और हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों बत्रा का एक जगह, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट में बत्रा लिखा हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं नाव पर चौक, और लेफ्ट साइड में आपको एक बस जाते हुए दिखाई देगा दोस्तों, और वो बस जा रही है आप लोग का भटगांव से होते जही, वहाँ से बत्तापुर। हम लोग दोस्तों पहुँच गए हैं आगे नाव पर चौक से लगभग 700 से 800 मीटर दूरी पर, लेफ्ट में हम लोग मुड़ना है दोस्तों। और वहाँ से आप लोग के आगे में एक बांध दिखाई देगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक बांध दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोग को, और ये बांध बहुत ही विशाल बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पिकनिक मनाने आते हैं दोस्तों। और इसके आगे में दोस्तों जहाँ से पानी क्रॉस हो रहा है, जिस नाले के माध्यम से, जिस टनल के माध्यम से दोस्तों, वहाँ पर आप लोग के लेफ्ट साइड में दोस्तों एक आप लोग को मंदिर दिखाई देगा दोस्तों अभी, जिसको हम लोग शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इस मंदिर में दोस्तों आप लोग के शिवरात्रि में दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालुगढ़ यहाँ पर श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं दोस्तों। और उसके आगे में आपको एक सरना दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बहुत सारे साल वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, वहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं दोस्तों। ये राइट साइड देखिए नज़ारा कैसा दिख रहा होगा आप लोग का बांध का, यहाँ से पानी नीचे की ओर क्रॉस करते हुए जाता है दोस्तों, इस नहर के माध्यम से, नाला के माध्यम से दोस्तों। थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे, कुछ इस प्रकार का मंदिर आप लोग को दिखाई देने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और इसके इस मंदिर के आगे में देखते हैं आप लोग बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग का लोग पिकनिक मनाने आते हैं दोस्तों, और आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसा नज़ारा है। ठीक है, और राइट साइड में देखिए दोस्तों यहाँ का जो बांध है बहुत ही बड़ा विशाल का आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। लेफ्ट साइड में आप लोग कुछ हरियाली दिखाई दे रहा होगा, धान का भी सीजन है दोस्तों। दोस्तों आप लोग का फाइनली आप लोग इंतजार खत्म हुआ, लोग पहुंच चुके हैं जहां पर कर्मा हो रहा है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और सामने में आपको एक बैरियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहां से जो बड़े गाड़ी होते हैं दोस्तों बैरियर इसी पर रह जाते हैं, और जो छोटे गाड़ी होते हैं जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे ज़्यादा भीड़ हो गया है दोस्तों, इसीलिए बड़े गाड़ी के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। हम पहुँच गए हैं जहाँ पर कर्मा होने वाला है, तो कुछ आप लोग को वहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट में, तब तक आप लोग इन्जॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस पल।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत रात हो चुका है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को बत्रागांव का कर्मा कैसा लगा दोस्तों। और कुछ लोग यहाँ पर आप लोग को घर जाते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत रात हो चुका है और सिर्फ 14 गाँव के ही पति बाकी अपना कला प्रदर्शन कर पाए हैं दोस्तों। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को प्रेस करें। जब इस तरह का कोई वीडियो डालूँ सर सबसे मिल जाए, मिलते हैं, तो फिर थैंक यू, धन्यवाद, जय।